हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 1 ईयर के लिए बनाया है, लेकिन आप कोई भी साइज़ बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले बैक पार्ट बनाएंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट बनाया हुआ है, तो ये मैं 1 ईयर के लिए बना रही हूँ। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये आप 10 इंच का है, ठीक है। तो अगर आप कोई और भी साइज़ बना रहे हैं, तो 1 ईयर के लिए 20 इंचेस चेस लेते हैं। तो मैंने 10 इंच का फ्रंट बनाया, 10 इंच का बैक बनाएंगे, 10 इंच का फ्रंट बनाएंगे। तो अगर आप कोई और साइज़ बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, चेस्ट नापनी है और चेस्ट का आपको आधा कर लेना है चेस्ट, और 4 के मल्टीपल चैन बना लेने हैं। और अगर आपको यही साइज़ बनाना है, तो आपको क्रोशिया लेना है 3.50 mm का और यार्न 4 प्लाई लेनी चाहिए, लेनी होगी आपको। तो मैंने इसमें 2 कलर लिए हैं, आप कोई भी 2 कलर ले सकते हैं। तो अगर आप कोई और साइज़ बनाएंगे, तो 4 के मल्टीपल चैन प्लस 2 चैन्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो बनाई हैं 52 चैन से स्टार्ट किया था, और मैंने क्रोशिया 3.50 mm का लिया था और यार्न 4 प्लाई है। तो अगर आप सेम लेंगे तो ही आपका सेम बनेगा, नहीं तो आप सिर्फ 10 इंच की चैन बना लीजिए और 4 के मल्टीपल प्लस 2 चैन बना लीजिए, अगर कोई और भी आपके पास क्रोशिया है या यार्न है। तो यहाँ पे मैंने बनाई है 20 चैन। और आपको कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे क्वेरी कर सकते हैं। उन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पे 22 चैन बनाए हैं। मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 54 चैन से स्टार्ट किया था। तो यहाँ से देखिए, अब 1, 2 स्टिच छोड़ेंगे। जो चैन 2 हमने एक्स्ट्रा बनाई थी, जिसको हम छोड़ रहे हैं, वो हमारा स्टिच नहीं है। ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया की ही रो बनेंगी इसमें। 1, 2, 3 और ये 4। अब ये 4 पूरा नहीं बनाना हमें, यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे हम जो दूसरा कलर है उसको लगा लेंगे। ये जो हम यहाँ से लेंगे, ये जो स्टिच है इसको देखिए लेंगे इसमें से और इस तरीके से लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम दोनों, ये जो यार्न है थोड़ी सी एक्स्ट्रा लीजिए, दोनों साथ में चलेंगी और इसको भी खींच लेंगे, इस वाइट वाली को। और अब देखिए, यहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट 3 में, फोर्थ वाले में फिर हम कलर चेंज करेंगे। 1, 2 और ये जो दोनों यार्न को हमको साथ में लेके चलना है। अभी तो ये एक्स्ट्रा है, उसको लेके चल रहे हैं। फिर अगर इस वाले में दूसरा कलर साथ में लेके चलना है, ये वाइट वाली जो यार्न है, देखिए साथ में हम इसको इसके साथ ही लेके चल रहे हैं 3। और ये देखिए, ये जो फोर्थ वाला बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने ये यहाँ पे लिया, ये 3 स्टिच हो गए। अब यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे, जो नेक्स्ट लूप होगा इसमें से, इन तीनों में से ये वाइट वाला लूप लेंगे, ठीक है। फिर से देखिए, नेक्स्ट पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारी पर्पल वाली जो यार्न है उसको साथ में लेके चल रहे हैं। 1, 2, 3 और जो फोर्थ वाली होगी, देखिए फोर्थ वाला है इसमें, यहाँ पे हम अभी तो देखिए इस तरीके से हमने लिया, और जब हम इसमें लास्ट वाला स्टिच देखिए तीनों में से एक साथ निकालेंगे, तो ये पर्पल वाला कलर ले लेंगे। तो इसी तरीके से इस रो को मैं पूरा कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने बना लिया, मुझे यहाँ पे स्टिच कम पड़ गए हैं, 2 ही बचे हैं। ये 16 ही स्टिचेस हुए मेरे यहाँ पे, लेकिन ये 4 के मल्टीपल हैं। तो आपको कितने भी लें, आप सेम तरीके से ही बनाएंगे और सेम तरीके से यार्न चेंज करनी। अब देखिए, लास्ट वाला स्टिच है, ये हमने लास्ट बनाया है। यहाँ पे तो हमें पर्पल कलर ही यूज़ करना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर सेम यही रो बनानी है, ठीक है। अब देखिए, चैन 1 बनाएंगे, और जो चैन 1 है वो स्टिच नहीं है, पलट लेंगे। अब देखिए, ये जो यार्न है इसको ऊपर ले लेंगे इस तरीके से,
और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट वाले स्टिच में, क्योंकि ये हमारा स्टिच नहीं है। चैन वन, वन टू, ये जो कलर है इसको हम साथ में लेके चल रहे हैं। थ्री फोर, अब देखिए फोर वाला जब बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हम वाइट वाला कलर इसको खींच देंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको खींच लीजिएगा, नहीं तो ये यार्न है, ये वाइट वाली भी और ये पर्पल वाली भी, नहीं तो यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा ढीला ढीला रह जाएगा तो अलग से ज़्यादा दिखेगा। अब यहाँ पे ये फोर स्टिच हम वाइट के बनाएंगे और ये पर्पल वाला जो कलर है इसको साथ में लेके चलेंगे। वन टू थ्री और ये फोर। अब यहाँ पे हम कलर चेंज कर देंगे। आप वापस से देखिए यही वन टू थ्री ये फोर, यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे। अब देखिए लास्ट के ये वन टू, धागे हमें साथ में लेके चलने हैं, ये वाला यहाँ है तो ये वाला पीछे होना चाहिए। थ्री फोर, चैन टू हमारा स्टिच नहीं था, फोर स्टिच है हमारे पास। अब देखिए फिर से चैन वन बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे और देखिए यहाँ पे इसको यहाँ रख लेंगे और ये फोर फर्स्ट वाले स्टिच में ही वन डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। यहाँ पे वन डबल क्रोशिया से पैटर्न सही नहीं आता, हाफ डबल क्रोशिया से पैटर्न दोनों तरफ सेम ही आएगा। ये वन टू थ्री और ये फोर। तो जैसे हमने सेकंड वाली रो बनाई है वैसे इसको बना लेते हैं, लास्ट में आ जाती हूँ। अब यहाँ पे हमें वापस से कलर एक दूसरे के ऊपर चेंज करने होंगे। तीन रो हम सेम बनाएंगे फिर उसके बाद इनमें कलर चेंज करेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये तीन रो बनाई है वाइट कलर से, फिर इसके ऊपर हमने ये वाला कलर यूज़ किया है और इसके ऊपर वाइट कलर यूज़ किया है। तो इस रो को मैं बना के आती हूँ फिर बताऊँगी आगे वाली रो। तो ये देखिए रो के लास्ट में आ गए हैं, ये लास्ट वाला स्टिच है, हमने पूरा नहीं बनाया। यहाँ पे ये तीन स्टिच हैं, आप देखिए इसके ऊपर जब हमें कलर चेंज करना है तो हम पर्पल की जगह ये वाइट कलर यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे हमने ये देखिए चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट लेंगे, चैन वन हमारा स्टिच नहीं है। अब पर्पल कलर को इसके ऊपर ले लेंगे और यहाँ पे ये वन टू थ्री आपको लग रहा होगा कठिन है, लेकिन इतना कठिन है नहीं है। आपने थोड़ा सा ध्यान दिया और फिर आप एक स्टार्टिंग की थोड़ी सी रो बनाई, फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ी ऊन ज़्यादा लगेगी और कुछ नहीं है। अब देखिए ये फोर्थ वाला स्टिच है, यहाँ पे हमने ये वाइट वाला है। अब देखिए यहाँ पे पल ये कलर चेंज कर देंगे। वन टू थ्री फोर, अब फिर देखिए यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। इस तरीके से हम ये जितना भी आपको बनाना है उतना बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने ये बैक पार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने आप ये जो बॉक्स के सेट हैं ये थ्री थ्री डबल क्रोशिए के, तो ये थ्री सेट थ्री रो हैं डबल क्रोशिए की, इसमें मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट बनाए हुए हैं। अब देखिए हम आर्म होल की कटिंग देंगे थोड़ी सी, पीछे वाला पार्ट में सिर्फ आर्म होल बनाना है हमें,
आर्म होल की देंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये हमने रो में आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 वाली रो है। अभी 25th वाली रो बना रहे हैं, इस तरफ पलट जाएंगे। तो ये हमें अभी आर्म होल के लिए स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये जो 4 स्टिच हैं इनमें स्लिप स्टिच बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये वाइट कलर हमने यहाँ लिया हुआ है, फर्स्ट स्लिप स्टिच तो हमारा यही हो गया कि हमने इस स्टिच को छोड़ दिया। अब देखिए सेकंड वाले में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये जो वाइट कलर का धागा है उसको साथ में लेते हुए चलेंगे। ये धागा साथ में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाएंगे और ये जो वाइट कलर है यहाँ पे भी हमें पर्पल यूज़ करना है। अब तो ये हमने 3 स्लिप स्टिच बना दिए, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4। अब यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, ये आर्म होल का स्पेस हो गया। अब हमें कोई कुछ नहीं करना, बस इतना सही करेंगे। आगे जब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो शेप आ जाएगा इसमें। अब ये वाइट कलर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ तक ये हमने बना लिया। ये लास्ट के जो 4 स्टिच हैं वो हमने छोड़ दिए हैं, 4 यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से ख़त्म किए थे और 4 यहाँ पे छोड़ देंगे, वो सेकंड वाला आर्म होल हो जाएगा। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे और जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाना है। मैं लास्ट में आ जाती हूँ। इस तरीके से बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ जाती हूँ। तो ये देखिए आर्म होल हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाए थे, वापस यहीं बना के आ गए हैं। तो ये जो हमने चैन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, तो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके बीच में बना देंगे। अब देखिए हमें बैक वाले पार्ट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसी तरीके से बनाते जाना है, ठीक है। जो फ्रंट वाला होगा उसमें गले बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने बैक वाला पार्ट पूरा कर लिया है और यहाँ पे मैंने देखिए 1, 2, 3, 4 जो ये हैं आप काउंट करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रो बनाई है मैंने ये आर्म होल के लिए। तो ये 4 इंचेस से थोड़ा सा कम है, तो अगर आपको कोई और साइज़ भी चाहिए तो आप अपने हिसाब से आर्म होल जितने चाहिए उतने घटा दीजिए और हिसाब से बना लीजिए। तो इसमें कोई आपको अलग से कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नाप लेते हुए कोई भी आप किसी भी साइज़ का स्वेटर बना सकते हैं और आपके पास चाहे कोई भी क्रोशिया हो, कोई भी यार्न हो। तो ये अभी हम बैक वाला जो फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे वो यहाँ तक तो हम सेम बनाएंगे, फिर हम गले का। ये हमारी रो हो गई 24, 25। तो ये 27 रो तक तो हमें फ्रंट वाला जो पार्ट है वो सेम ही बनाना है, उसके बाद फिर हम गले का इसमें गले फ्रंट वाले पार्ट में गला बनाएंगे, ठीक है। तो बैक वाला पार्ट भी सेम तरीके से, फ्रंट वाला पार्ट भी सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे और रो 27 तक सेम तरीके से बनाएंगे। तो पहले मैं बैक फ्रंट वाला पार्ट पूरा बना लेती हूँ 27 तक, फिर उसके बाद मैं आपको गला किस तरीके से घटाएंगे ये बताऊँगी। तो ये देखिए मैंने ये फ्रंट का जो है वो 27th रो तक मैंने यहाँ तक बना लिया। अब देखिए यहाँ पे गले का शेप देंगे, तो गला थोड़ा सा मैं बड़ा ही रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा रखना है, क्योंकि देखिए ऊपर से कहीं खुला नहीं है तो मैंने थोड़े से आर्म होल बड़े रखे हैं और गला भी थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि ये गले से ही पहनेगा सीधा। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्टिच इस तरफ रखे हैं आर्म होल कंधों के लिए और 11 स्टिच इस तरफ रखे हैं। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये अब ये वाला अलग हिस्सा अलग से बनेगा और ये वाला अलग से बनेगा।
ये 28th वाली रो है, चैन वन बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे और देखिए यहीं से है, यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब यहाँ से कलर चेंज करेंगे और ये वाला बनाएंगे, कि यहाँ पे हमने 1 2 3 स्टिच ही बनाने हैं, ये 3, ये 1 2 और ये 3, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे। ये धागे को यहाँ लेंगे और जैसे हम बना रहे थे यहाँ पे सिर्फ 4 की जगह 3 स्टिच होंगे, तो जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाते हुए जितना हमारा बैक में जितनी टोटल रो बनाई हुई है उतनी बना लेनी है, इसी तरीके से बनेंगी, कोई चेंजेस नहीं है, बस 3 स्टिच यहाँ रहेंगे, धागा जहाँ चेंज होगा वहाँ चेंज हो करना होगा हमें। तो इसको मैं बैक वाले पार्ट तक बना लेती हूँ, फिर दूसरा वाला कंधा और बता दूँगी आपको वो किस तरीके से बनेगा। तो देखिए मैंने ये एक तरफ का ये देखिए बना लिया है, अब ये बनाएंगे हम दूसरी तरफ का। तो यहाँ पे हम ये जो कलर चेंज होगा यहाँ पे, और इसमें आप दोनों तरफ से दोनों जो साइडें हैं वो सेम हैं, कोई अंतर नहीं है, तब भी आपको थोड़ा सा जो फिनिशिंग लगे उसको आप आगे रख लीजिए, क्योंकि ये हाफ डबल क्रोशिया की रो है तो इनमें कोई अंतर नहीं होता ज़्यादा। तो देखिए अब यहाँ से हम ये 11 वाला जो स्टिच है, इस तरफ से 11 वाला स्टिच है उसमें हमने धागा लगाया, तो यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है इसलिए वाइट वाला कलर लगा रही हूँ मैं। चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे हमारे 3 बनेंगे, 2 3। अब ये जो थर्ड वाला है यहाँ पर हम कलर चेंज कर देंगे, देखिए वाइट कलर को थोड़ा सा टाइट करेंगे, हर बार जब आप दूसरा कलर चेंज करें तो आप ये जो पहला वाला कलर है इसको पीछे से खींच लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा इसमें सल रह जाएगा और वो अलग से दिखेगा। देखिए ये वाला 2 3 4, जब भी आप धागे लगाएं तो उनको अच्छे से सिक्योर कर लीजिए, नहीं तो बाद में निकल सकते हैं। अब देखिए ये वाइट वाला कलर यूज करेंगे, वन टू थ्री फोर। अब जैसे हमने यहाँ पे रो बनाई है, इस तरफ से इस तरफ बनाते हुए और यहाँ तक बना लेंगे, ठीक है। तो पहले जब हम इसको बना लेंगे उसके बाद देखिए दोनों को कंधे पे से सिल लेंगे, जब हम इनको बनाने के बाद दोनों साइडों को यहाँ बराबर में रखते हुए यहाँ पे हम इनको ये देखिए इस तरीके से बराबर में रखते हुए कंधे पे से सिल लेंगे इनको, कंधे जितनी भी रो हमारी आ रही हैं उनको यहाँ बराबर में थोड़ा खींचते हुए ये इस तरफ से कंधे पे सिल लेंगे और इस तरफ से कंधे पे सिल लेंगे, ठीक है। और ये साइडें भी सिल लेंगे हम, कंधे सिलने के बाद ये दोनों साइडें सिल लेंगे। तो इतना मैं सिल लेती हूँ, उसके बाद ये बना के कंधे सिल लूँगी और ये साइडें सिल लूँगी, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगी।
तो ये देखिए मैंने इसको कंधे पे से सिल लिया है और ये साइड से सिल के इसको सीधी तरफ कर दिया है, इसको सीधा कर दिया है, अंदर से हमने इसको यहाँ से सिल दिया था, ठीक है, इसको यहाँ सीधा कर लिया है। अब देखिए पहले हम ये आर्म होल बनाएंगे, ये गला बनाना बताऊंगी मैं और फिर यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हम धागे को ज्वाइन करेंगे, जिस कलर से भी आप बनाना चाहें, इसमें तो कोई से भी कलर आप लेंगे दोनों ही अच्छे लगेंगे। देखिए यहाँ से हम यार्न को जोड़ेंगे, चैन वन बनाएंगे और देखिए जस्ट पास वाले स्टिच में ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो चैन वन है वो स्टिच नहीं है, यहाँ पे आएंगे तो इसको जोड़ेंगे बीच में इन दोनों के। अब देखिए यहाँ से थोड़ी बराबर दूरी पे एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड में वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने डबल क्रोशिया, जितने हाफ डबल क्रोशिया आपने एक आर्म होल में बनाए हैं उतने ही आपको इसमें बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 44 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो यहाँ पे भी मैं 44 ही बनाऊंगी। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे, बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाने हैं, नहीं तो ये आर्म होल फैल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये देखें, तरीके से बनाते हुए पूरा राउंड में यहाँ पे आ जाएंगे वापस। तो ये देखिए ये लास्ट तक मैंने बना लिए हैं। अब देखिए ये जो फर्स्ट चैन हमने बनाई थी और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था, इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से देखिए चैन वन बनाएंगे और एक जो स्टिच है इसको फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो दूसरा है उसको बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले को फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट वाले को बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाते हुए मैं यहाँ पे लास्ट में यहाँ आ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ सेकंड रो के लास्ट में आ गए, यहाँ पे भी हम जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है उन दोनों के बीच में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर से चैन वन बनाएंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ 3 रो बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से अगर बड़ा साइज़ है तो आप ज़्यादा रो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रो और वापस से बनाएंगे, चैन वन बनाया हमने और जो फ्रंट पोस्ट स्टिच था उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट स्टिच था उसको बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाते हुए राउंड में मैं वापस आ जाती हूँ यहीं पर और इसको आएंगे जब फर्स्ट चैन और फर्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोनों आर्म होल देखिए मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ गला बनाएंगे, तो गले के लिए आप कहीं से भी देखिए यहाँ पीछे, यहाँ से मैं लगा रही हूँ, यहीं से आप यार्न लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी धागे को अच्छे से बांध के ही स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि धागा बाद में अगर आपने थोड़ा बहुत ढीला छोड़ दिया तो ये खुल जाएगा। और चैन वन बनाएंगे ये देखिए और यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा पास स्टिच नहीं बनाने हैं, नहीं तो ये गला फैल जाएगा। अब देखिए ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक एक हाफ डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे तो हर एक स्टिच पे एक स्टिच बनेंगी, ये जो स्टिच है इन पर, और यहाँ पे जो साइड हैं यहाँ पे आपको थोड़ा दूरी पे रखना है। तो मैं यहाँ से बना के राउंड में ये वाले कॉर्नर पर आ जाते हैं, हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये जो फ्रंट के जो दोनों कॉर्नर हैं उनके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये देखिए ये हम यहाँ कॉर्नर पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे ए 1, 2 और 3, ये 3 जो स्टिच हैं इनको हम एक करेंगे जिससे गोलाई आ जाएगी इसमें। तो देखिए हमने धागे को लपेटा नहीं है, बहुत मोटा हो जाएगा। ये 1, ये मिडल वाला जो स्टिच है ये 2 और ये 3, इन तीनों को एक कर देंगे। फिर यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ कॉर्नर पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमें सेम तरीके से करना है, तब भी मैं आपको एक बार बता दूंगी।
तो ये देखिए दूसरे कॉर्नर पे आ गए। तो यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है, एक स्टिच देखिए ये वन, एक ये बीच का टू और ये थ्री, इन तीनों स्टिच को एक कर देंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में थोड़ी दूरी पर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ लास्ट में आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे एक स्लिप, ये जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया इन दोनों के बीच में हम स्लिप स्टिच बना देंगे। और फिर जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही चैन वन बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए मैं ये कॉर्नर पर आ जाती हूँ। ये देखिए यहाँ से एक फ्रंट एक बैक बनाते हुए यहाँ कॉर्नर पर आ जाते हैं। ये जो हमने दोनों कॉर्नर बनाए हैं ये फर्स्ट वाले कॉर्नर पे आ जाती हूँ, फिर दोनों कॉर्नर पे भी मैं इसी तरीके से बनाया है जैसा फर्स्ट कॉर्नर पे मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए ये कॉर्नर पे आ गए। अब ये वाला जो ये हमारा स्टिच है इससे जस्ट पहले वाला जो हमने कॉर्नर बनाया था ये फ्रंट पोस्ट आ रहा है। अब देखिए ये जो हमने तीनों स्टिच एक साथ किए थे इनको बैक पोस्ट बना देंगे, क्योंकि इससे पहले वाला हमारा फ्रंट पोस्ट था। तो इसको देखिए इस तरीके से बैक पोस्ट बना दिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बनाते हुए दूसरे कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो ये देखिए ये कॉर्नर वाले स्टिच पे आ गए, ये दूसरा वाला कॉर्नर वाला, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है और ये बैक पोस्ट आ रहा था। जो स्टिच आपका आ रहा हो, फ्रंट पोस्ट आ रहा हो बैक पोस्ट आ रहा हो, वही बना दीजिए। और यहाँ से बनाते हुए अब फर्स्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ लास्ट में आ गए, यहाँ चैन वन और फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिए के बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। चैन वन बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक बैक पोस्ट बनाएंगे। बनाते हुए वापस मैं इस कॉर्नर पे आ जाती हूँ जहाँ से देखिए यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने थ्री स्टिच को एक किया था। ठीक है, तो पहले मैं बना के यहाँ आ जाती हूँ। ये थर्ड वाली रो है गली की। तो ये देखिए ये कॉर्नर पे आ गए, यहाँ पे देखिए एक फ्रंट पोस्ट हमारा है और स्टिच है, और ये जो बैक, ये देखिए बीच वाला जो स्टिच है ये बैक पोस्ट आ रहा है, ये फ्रंट पोस्ट आ रहा है। तो देखिए अगर ये वाला फ्रंट पोस्ट है तो इसके आसपास के जो दो स्टिच है आप उनको एक साथ ले लीजिए। अगर ये देखिए यहाँ पे तो ये बीच वाला बैक पोस्ट है और दोनों फ्रंट पोस्ट है। देखिए क्या करेंगे, बीच वाले स्टिच को ऐसे ही छोड़ देंगे ये, और देखिए ये इन दोनों स्टिच को हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अगर ये दोनों बैक पोस्ट हैं तो इन दोनों को आप बैक पोस्ट बना दीजिए एक साथ लेके। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बनाएंगे और जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ पे आ जाएंगे। इससे क्या होगा, गोलाई आ जाएगी यहाँ पे। तो ये देखिए ये दूसरा कॉर्नर है, ये मिडल स्टिच है, ये फ्रंट पोस्ट और ये वाला फ्रंट पोस्ट इन दोनों को एक साथ बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये बीच वाले स्टिच को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इन दोनों को एक साथ फ्रंट पोस्ट बना देंगे। और फिर लास्ट तक हर एक स्टिच में एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बनाते हुए लास्ट तक आ जाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने तीनों रो बना ली। अगर आपको लगता है कि गला अभी भी बड़ा है तो आप एक रो बनाएं जिसमें हर एक स्टिच में एक एक फ्रंट पोस्ट स्टिच और एक बैक पोस्ट स्टिच बना के पूरा राउंड में एक और बना लीजिए। लेकिन मुझे लग रहा है ये सही है। तो यहाँ थोड़ा सा तो ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हल्का सा राउंड भी हो गया है, एकदम चौकोर नहीं है। तो ये देखिए गला पूरा हो गया। अब देखिए हम जो बॉर्डर है नीचे वाला वो बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया, इसको यहाँ से काट देंगे। तो देखिए अब यहाँ नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। नीचे का बॉर्डर पहले हमने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि जो हम स्टार्ट नीचे से अगर स्टार्ट करते हैं तो जो लाइन है वो लास्ट वाली जो लाइन है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है और स्ट्रेच ही नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैन वन बनाएंगे और देखिए हर एक एक स्टिच में, यहाँ पे आप डबल क्रोशिया का भी बना सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा फैलने का डर था इसलिए हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे। तो देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, तो यहाँ से राउंड में हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड में यहाँ आ जाएंगे। ठीक है,
तो ये देखिए ये रो हमने डबल क्रोशी की रो पूरे राउंड में बना ली है। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो देखिए आप चैन वन बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरीके से दो या तीन रो हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की बना लेंगे। तो जितनी स्वेटर की लंबाई पूरी चाहिए उतनी हो जाए तो इतनी रो बना लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बनकर कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरा बना लिया है और जो एक्स्ट्रा धागे थे वो सारी फिनिशिंग कर दी है। और ये देखिए बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और इसको बनाना भी बहुत इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।